सिंधिया को अपने ही गढ़ में होगा नुकसान। जीत जाएगी कांग्रेस, हो गया बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाला, लेकिन चुनाव से पहले ही परिणाम दिखने शुरू हो गए और नजारा कुछ ऐसा है कि बीजेपी की नैया डूब रही है और कांग्रेस की जीत नजर आ रही है। कुछ सर्वे सामने आए हैं जिससे ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी का बुरा हाल है। अब इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी का बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने गढ़ में हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बता दें। मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा है, उनकी अहम भूमिका भी है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में। तो एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने ही गढ़ में हारने वाले हैं, ये बातें चल रही। अपने ही गढ़ में बुरी दशा झेल रहे हैं सिंधिया। चुनाव के पहले कई सर्वे होते हैं जिससे जनता का मूड भापा जाता है। ऐसे में सिंधिया के गढ़ चंबल में भी सर्वे हुआ और सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। नवभारत टाइम्स के सर्वे में ये बात सामने आई है कि चंबल में बीजेपी को इस बार भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक चंबल की 34 सीटों में से कांग्रेस के पास 22 सीट आ सकती है, यानी बीजेपी को केवल 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अपने ही गढ़ में सिंधिया बीजेपी को जिता नहीं पाएंगे, जिससे उनकी बेइज्जती तो होगी ही और कांग्रेस को भी तंज कसने का मौका मिल जाएगा। सिंधिया के चुनाव लड़ने से चंबल में कोई असर नहीं। अभी फिलहाल सिंधिया के चुनाव लड़ने की खबरें तो है नहीं, लेकिन अगर सिंधिया अपने ही गढ़ से लड़ते हैं तो क्या असर होगा ये भी जान लीजिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ चंबल में इस बार भी बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े या नहीं, इसका असर चंबल की सीटों पर नहीं पड़ेगा। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चुनाव लड़ते हैं तब भी बीजेपी का कोई फायदा नहीं होगा, उनका जादू नहीं चलेगा। सिंधिया समर्थकों को घेरने का कांग्रेस का गेम प्लान। अब सिंधिया की बात तो हो गई, इनके अलावा उनके समर्थकों के लिए कांग्रेस के पास एक खास प्लान है। आपको इसके बारे में पॉइंट से समझाएंगे। सिंधिया के साथ 19 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में इनमें से 9 को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने 9 मंत्रियों में से 6 के खिलाफ प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें 3 सिंधिया समर्थक शामिल हैं जो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में लौटे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने सिंधिया के समर्थकों के सामने बीजेपी के बागी और सिंधिया के ही पूर्व समर्थकों को उतार दिया है। ये है कांग्रेस का मास्टर प्लान, इसको सिंधिया से बदला भी कहा जा रहा है। ये एक चैलेंज है सिंधिया के लिए। 2020 में बीजेपी का थामा था हाथ। इसके अलावा बात करें इनके सफर की तो 15 साल से भी ऊपर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की तो अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में आ गए थे और अपने साथ कई विधायक भी लेकर गए थे, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई थी।